तो हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं जियोफोन 4G का नोकिया के एक फ्लिप 4G फोन के साथ में, जिसका मॉडल नंबर है नोकिया 2670 फ्लिप 4G। दोस्तों दोनों ही फोन्स के बीच में हम इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही 4G की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं और दोनों में ही आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं। दोस्तों जहां पर एक तरफ जियो फोन है जो कि काफी ज्यादा लैग होता है, आप लोगों ने देखा होगा लैग वाली प्रॉब्लम उसमें मिलती है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को नोकिया के फोन में देखने को नहीं मिलती। तो देखते हैं कि आखिरकार फीचर्स वाइज दोनों में से हमें किस फोन के साथ जाना चाहिए। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो चलिए दोस्तों, अब अपने कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कंपेयर करते हैं बॉडी टाइप को। दोस्तों दोनों ही फोन्स की जो बॉडी है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी होगी। अगर बात की जाए डिजाइन की, तो जियोफोन 4G का डिजाइन सिंपल है, तो वहीं नोकिया फ्लिप 4G आप लोगों को देखने को मिलता है फ्लिपिंग डिजाइन के साथ में। तो फ्लिप डिजाइन आप लोगों को नोकिया के फ्लिप 4G में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये जो फोन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इसके बाद अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो जियोफोन 4G में आप लोगों को 6.09 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी, नोकिया फ्लिप 4G में आप लोगों को 4.95 इंचेस की डिस्प्ले मिलने वाली है। फिर दोस्तों अगर बैटरी की बात करें, तो जियोफोन 4G में आप लोगों को बैटरी मिलने वाली है 9 डेज की। अगर आप कॉलिंग पे बैटरी यूज़ करते हो तो 9 डेज तक चलेगी। अगर बात की जाए नोकिया फ्लिप 4G की, तो अगर आप नोकिया फ्लिप 4G में बैटरी को यूज़ करते हो कॉलिंग पर, तो 10 डेज का बैटरी बैकअप आप लोगों को दे देगी। फिर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर अब आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो जियोफोन 4G में आप लोगों को KaiOS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और आप लोगों को पता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। काफ़ी ज़्यादा लैग्स आप लोगों को जियोफोन 4G में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस फ़ोन में इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं जिससे कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनको सपोर्ट नहीं करता, इसी वजह से उसमें इतने सारे लैग्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन नोकिया फ्लिप 4G में आप लोगों को KaiOS का अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा, KaiOS 2.0, और इसमें लैग का इशू आप लोगों को ज़रा भी देखने को नहीं मिलता। फिर अगर इंटरनल स्टोरेज, रैम और रोम की बात की जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो रैम मिलने वाली है दोनों ही फ़ोन्स में, वो मिलेगी 512 MB की, यानी कि आधा GB रैम आप लोगों को दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाएगी। अगर रोम की बात करें, यानी कि इंटरनल स्टोरेज की बात करें, तो जियोफोन 4G में आप लोगों को 4GB की रोम मिलेगी, और नोकिया फ्लिप 4G में आप लोगों को सिर्फ 8 MB की ही रोम मिलने वाली है। नोकिया फ्लिप में आप लोगों को मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, और मेमोरी कार्ड डालकर आप 128 GB तक अपनी जो रोम है उसको बढ़ा सकते हो। वहीं दोस्तों इसमें आप लोगों को 128 GB तक का ही सपोर्ट मिलेगा रोम में, लेकिन इसमें 4GB की आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात की जाए कैमराज की, तो जियोफोन 4G में आप लोगों को 0.3 MP का बैक में और 0.3 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलेगा, और नोकिया फ्लिप 4G में आप लोगों को 5 MP का जो बैक कैमरा है वो देखने को मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें, तो दोनों ही फोन्स में आप लोगों को 4G की कनेक्टिविटी मिलेगी, दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को ब्लूटूथ का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आप लोगों को हॉट स्पॉट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर फीचर्स की बात करें, तो जियोफोन 4G में जैसा कि आप लोगों को पता है जियो की सारी एप्लीकेशंस मिल जाती है, जैसे कि जियो TV, जियो 7, इस तरह की जियो की जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप लोगों को जियोफोन 4G में मिल जाती है, वो आप लोगों को नोकिया फ्लिप 4G में देखने को नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों जियोफोन 4G में आप लोगों को यूट्यूब, फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, व्हाट्सअप, इस तरह का सारा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और नोकिया फ्लिप 4G में भी आप लोगों को व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप, इस तरह के सारे सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों दोनों ही फोन्स के हम प्राइस की बात करें, तो जियोफोन 4G का जो प्राइस है वो है 799 रुपये, और नोकिया फ्लिप 4G का जो प्राइस है वो लगभग 1500 रुपये के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जियोफोन 4G में आप लोगों को 799 रुपये के साथ साथ एक साल की जियो की अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है, और 25 GB डाटा भी मिलता है। लेकिन नोकिया फ्लिप 4G में जियो का आप लोगों को कोई भी पैक नहीं मिलता, लेकिन जियो का सिम इसमें चल जाएगा, आप लोगों को स्मार्टफोन वाले प्लान ही इस फ़ोन में कराने पड़ेंगे, जब भी आप लिमिटेड वॉइस कॉल वगैरह का मजा ले सकते हो जैसा कि आप अपने स्मार्टफोन में कराते हो। सारी कंपनीज के 4G सिम्स आप लोग नोकिया फ्लिप 4G में यूज कर सकते हो, जियोफोन 4G में आप लोग सिर्फ जियो का ही सिम यूज कर सकते हो। सो गाइज, ये था दोनों ही फोन्स के बीच में कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।